यहाँ पे हो चुका है पड्डा, टाइड वाला पड्डा हो गया है। ऊपर से कपड़े फेंक रही है भाई, इसी के अंदर तक गाड़ी है। दो के बीच में अटकेंगे, अभी देखते हैं क्या सीन है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो यार आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह व्लॉग लेने कि बहुत ज़्यादा ही धूम मचाई हुई थी इस मॉल ने, जो कि ड्रीम मॉल के नाम से बहुत मशहूर हुआ हुआ है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लाहौर चरंगी के पास है जहाँ पे 50 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की चीजें मिलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी विजिट करें और व्लॉग बनाएं वहाँ पे। तो अभी जाते हैं, रश क्योंकि कुछ ज्यादा ही हो गया है, अभी वहाँ पहुँचते हैं अंदर। रश तो ऐसी नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा रश है, खैर अभी अंदर पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। मुझे तो लग रहा है मॉल पहुँचते पहुँचते हमें हो जाएगी सुबह, क्योंकि रश इतना है यहाँ पे कि मत पूछो आप, रश चेक करो। रश बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि हम अंदर जा सकेंगे। यार वैसे आपस की बात है, हम शॉपिंग करने तो नहीं आए थे, कॉन्टेंट लेने आए थे, कॉन्टेंट निकालने आए थे। बड़ा हरामी हो बेटा, भी नहीं निकल रहा क्योंकि रश इतना है ना, गेट से मुझे लग रहा है गेट बंद कर चुके हैं लोग, क्योंकि लोग सारे बाहर खड़े हैं भाई। आवाम इतनी आ चुकी है, इनको पता नहीं है कि कराची की आवाम कैसी होता है। और ये बीच में गाड़ी घुसर चुके हैं अपनी इतने रश के अंदर, और देखो गार्ड भी 8 जोड़े बेचारे। और रश यहाँ पे हो चुका है पड्डा, साइड वाला पड्डा हो गया है क्योंकि रश इतना था और ये गलत गाड़ी लेकर आए थे यहाँ पे। चाचा ने गाड़ी में मुक्का मार दिया और उनकी हट गई है। चलो भी रश ज्यादा हो रहा है, गाड़ी ना हो गया अपने मुझे भी ऐसे लग रहा है। फाइनली अंदर जा रहे हैं, भी देखते हैं वहाँ, हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रहे हैं, अपना व्लॉग कर रहा हूँ भाई। हालात बहुत ज्यादा खराब है, मैं तो वापस रिटर्न लग के दे रहे हैं। तो भाई अब आते हैं काम की बात पे, तफरीह ब्लॉग की तो चलती रहेंगी। मैंने सोचा आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊं, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आऊं। वो गिफ्ट ये है कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो कि आप घर बैठे जिससे पैसे कमा सकते हैं और मेरी तरह बाहर जाके मॉल्स में शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ सिंपली करना क्या है। लिंक मेरे बायो में, अपना आपको रजिस्टर कराना है और 200 रुपये का बोनस हासिल करना है, जिस गेम का नाम K1 है। और हाँ, अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर्स को ऐड करेंगे तो उस पर भी आपको 600 रुपये तक का बोनस मिलेगा भाई साहब। और हाँ इतना ही नहीं, अभी इसमें एक लकी व्हील भी है जिसमें आप 6000 रुपये कैश भी कमा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो मेरी तरह एजेंट बने, और वीकली सैलरी भी मिलेगी, वो भी घर बैठे। एजेंट कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिंक से डाउनलोड करें, सिंपली कस्टमर सर्विस पे आके मैसेज करें और एजेंटशिप हासिल करें। तो भाई इससे क्या अच्छी बात हो सकती है, आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। फालतू बाहर या के मेहनत करना जॉबों से अच्छा तो बंदा घर बैठे पैसे कमाए। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, एक बार भाई के कहने पर ये गेम रजिस्टर लाजमी करिएगा, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और भाई भी फ़ायदा उठा ही रहे इस गेम से। तो अब देखो व्लॉग, बहुत मज़ा आने वाला है, और रजिस्टर लाजमी करना गेम को। भाई तमाम
भाई नमाज पढ़ गई है फाइनली अंदर आ गए और रश तो कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे। इतनी मेहनत के बाद आए कुछ तो वसूल होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, ले ले अभी देखते हैं कुछ लेते हैं। गर्मी बहुत टाइट थी, फाइनली अभी नीचे आए, नीचे एसी चल रहा है और आवाम भी नीचे है। खैर देखते हैं क्या सीन है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई यहाँ पे कुछ यहाँ से लेंगे क्या। अभी देखते हैं, अगर कुछ अच्छी चीज़ मिली तो लेंगे वरना कुछ भी नहीं लेंगे यहाँ से। यार सब तोड़ दिया अवाम ने, अबे वाकई में अवाम ने नमाज पढ़ा दी है भाई। है ना रश है ना, लो नीचे आ चुकी है। खैर भाई यहाँ पे ना वो जो शर्ट उतारी हुई थी लड़के ने वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी वो स्टार्ट हो गई है। आज शर्टें तो देखें समझ नहीं ली थी भाई, लुंडे का माल। हाँ सारा लुंडे का माल है, यही आवाज़ें आ रही हैं पीछे। ये देख 650 कहाँ से 50 की शुरुआत है ये बता दें। पहली दोनों 650 की भाई, कितना ये भाई 600। इससे अच्छा बेटा जैनब चले जाते, जैनब से अच्छी मिल जाती है हमें 600 में। हमने पेंटों की हालत देख क्या करी है, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सारी पेंट वगैरह नीचे है भाई, लोग कैसे उठा उठा के फेंक रहे हैं यार। अबे आवाम को तो देख के तो उठा उठा के फेंक रहे। तो कोई 50 की तो थी नहीं यार, यहाँ तो झूठ बोला जा रहा था सबसे। ये कितने की है? 600 लुंडा में से अच्छी मिलती है भाई। चले यार आगे चले, ये घूम रहे 50 रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर रहे भाई। यहाँ पे ना जर्मन भी आए हैं, थोड़ा इग्नोर करना। हमाम ही हमाम भरी हुई है, लेकिन हमाम ले क्या रही है समझ नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे कुछ लेने वाला है भी या नहीं मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बाकी आवाम को देखते हैं क्या ले रही है। मैं तो कुछ नहीं लूंगा भाई यहाँ पे, ना मैं लूंगा, हम तो रेट मैं तो चेक करना है, आवाम को बताना है। 400 इसमें है क्या पता नहीं, 400 वाला इससे अच्छा मशरिक सेंटर। हाँ मशरिक जाओ इससे अच्छा तो भाई। यार ये था इसका ग्राउंड फ्लोर, और भी जाते हैं ऊपर, ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है। नीचे भी बहुत रश था, ऊपर देखते हैं क्या सीन है। चलिए ऊपर आ जाओ यार। हाँ ऊपर से कपड़े फेंक रही है भाई। क्या सीन है,
वाह क्या सीन है। अबे ये क्या हो रहा है? ओए ये हैंगर गया। ओए अबे भाई साहब अब्दुल रहमान सीन क्या हो रहा है? ये भाई पड्डे होंगे, बहुत गलत सीन हो रहा है। खैर ये ऊपर से हम डायरेक्ट एग्जिट का निकलेंगे भाई, यहाँ तो खड़े होने ही फजूल है। आवाम का रश तो देख, बहुत ज्यादा रश हो रहा है भाई। भाई यहाँ से निकलने वाली करो, कैश काउंटर पे इतना रश है ना, आवाम पागलों की तरह ले जा रही है, खाली सिर्फ और सिर्फ ले रही है। सब एग्जिट इन्होंने करा हुआ है बंद, जाने नहीं दे रहे हैं एग्जिट से। और यहाँ पे कैमरा वगैरह भी चल रहा है, हम लोग कैमरे में आ चुके हैं और बस यहाँ से निकलना है क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आ रही है यहाँ पे। भाई यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गए, अरे पसीने हमें भी आ रहे हैं यार, मसला नहीं है। खैर यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गए हैं भाई, सब्सक्राइब करा हुआ है भाई, कोई मसला नहीं है यार। एग्जिट कहाँ से? एग्जिट कहाँ से वही बताना। ये तो वापसी रिटर्न यहाँ भेज दिया इन्होंने। खुल गया सिम सिम वाला गेट तो नहीं है यहाँ कहीं? कहीं पता चले वहाँ से एग्जिट दे रहे हो। फाइनली एग्जिट की तरफ आ गए और अभी बस बाहर निकलेंगे क्योंकि नमाज पढ़ गई है। एग्जिट पे इतनी प्यारी सी लड़की खड़ी थी, बेचारी अभी तंग आ गई होगी कराची की आवाम से भाई। चलो चलो फाइनली यहाँ पे, इतनी गर्मी थी कुछ ले नहीं सकते थे भाई, हम लोग कुछ भी नहीं ले सकते। आप यहाँ चली जाए थोड़ी देर के लिए। आवाम देखो कैसे शोर कर रही है। फाइनली 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 बाहर आ गए यार। ये क्या हमने कुछ नहीं लिया यहाँ पे क्योंकि जो जो चीजें थी ना सारी ही लुंडा का माल था। उससे अच्छा तो बंदा देना मशरक चले जाए, उससे अच्छी चीजें मिलेंगी। हमारे मतलब की यहाँ पे कोई चीज नहीं थी तो हम लोग बाहर आ गए। खैर अभी देखते हैं यहाँ से रश से तो निकले, रश इतना हो रहा है कि क्या बताएं। और आपने हमारी एंट्री भी देखी थी कि किस तरीके से हुई थी, कैसे धक्के शीशे वीशे सब तोड़ दिए थे भाई। अब हम अभी भी जाने के लिए अंदर खड़ी हुई है। हमने ना चीजें अंदर तक गाड़ी है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, देख रहे हो गाड़ी है, बगैर पैसे दिए लेकर आए लोग। चप्पल भी चोरी हो गई है इन्होंने, लेकिन अंदर से सामान चुराया है। हम भी कर सकते थे लेकिन ऐसा काम नहीं कर रहे भाई। भाई आवाम तो जा भी नहीं पा रही और आ भी नहीं पा रही है, बीच में अटकी भी आवाम। बीच में अटके अभी देखते हैं क्या सीन है। भाई अंटियों को बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई कोई अंटी बोल रही है पत्थर उठा के मार दूंगी, कोई कह रही है आगे निकलोगे। सही भाई आई क्यों थी जब इतना रश, पता है रश होगा तो आई क्यों? लड़के तो फिर भी झेल लेते हैं। यहाँ तो बाइक ही फंस गई है लेकिन हम लोग यहाँ से उतार लेंगे, यहाँ से उतार सकते हैं हम लोग कहीं से भी उतारो, लेकिन बाइक उतारो अभी यहाँ से निकलो। और रश है, आवाम ही आवाम है। तू चला बेटा बाइक, मैं नहीं चला रहा बेटा, निकाल जेब से। तो फाइनली यार बस हम लोग वहाँ से तो बड़ी मुश्किलों से बच के आए। समझो हम लोग गए तफरी के लिए थे लेकिन इतनी झाइल आवाम आई हुई थी ना यार, पूरा मॉल तबाह कर दिया उन्होंने। हम लोग बड़ी मुश्किलों से निकल गए, हमने सोचा था थोड़ी तफरी हो जाएगी। एक अपना समझो कराची में यूनिक चीज़ खुली थी एक, उसने 50 से लेकर 1000 रुपये तक की चीज़ें लगाई थी। कुछ भी ये भले से नहीं थी, एक ऑफर तो थी ना, लेकिन लोगों ने उसके साथ क्या करा यार, पूरा मॉल तबाह कर दिया। मैंने घर आके वीडियोज़ देखी हैं कि यार उस बेचारे की ऐसी मट्टी पलीत करिए ना। उसके अलावा अगर कोई सोचेगा भी ना मॉल बनाने का ऐसा, तो वो कभी ज़िंदगी में भी नहीं बनाएगा। लोगों ने बहुत जालत करी है यार, बहुत जालत करी। ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कपड़े चुराए वो भी तो बता। कपड़े चुराए बेटा, ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता मैं। खैर अब ये तो बोल नहीं सकता कि व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, लेकिन फिर भी आप कर देना। तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज। लेकिन बहुत अफसोस हुआ यार कराची की आवाम।